सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन व्यक्ति की अच्छाई की सुगंध हर दिशा में फैलती है। किसी के सुख का कारण बनो भागीदार नहीं, और किसी के दुख का भागीदार बनो कारण नहीं। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है, परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है। आज का पंचांग 4 दिसंबर 2023 दिन सोमवार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, रात्रि 9:59 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघा नामक नक्षत्र रात्रि 12:35 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:16 से 9:36 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 11:55 से 12:38 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। मेष राशि 4 दिसंबर 2023 दिन सोमवार, एक ऐसा व्यक्ति जो काफी लंबे समय से आपके आसपास है लेकिन उस पर आप अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं लेकिन उस पर आप अधिक ध्यान नहीं दे रहे थे आज से आप उसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू करेंगे। यह महज एक उभरता हुआ रोमांस नहीं है बल्कि मन और आत्मा का मिलन है जिससे आप खासे प्रभावित होंगे। इसके बारे में अच्छे से सोच ले क्योंकि अब यह व्यक्ति आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। आप अभी रचनात्मक मोड पर है जहां आप आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से भरे हुए हैं। दोस्तों और परिवार के साथ खाली समय का आनंद लें, लेकिन चोट या दुर्घटनाओं से बचने के लिए यात्रा करते समय ध्यान रखें, जोखिम भरे व्यवहार से बचें। रिश्ते के अंत में एक छोटी सी यात्रा हो सकती है, ऐसा लग रहा है कि आज आप पार्टी के मूड में हैं। आपके आसपास का माहौल जीवंत और खुशनुमा है। प्यार जुनून और उत्साह आज के दिन को परिभाषित करने के लिए काफी है। पूरी तरह से इस स्थिति का मजा लें। घर में किसी प्रोग्राम के होने की वजह से आज आपको बहुत धन खर्च करना पड़ सकता है जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। परिवार के साथ सामाजिक गतिविधियां सभी को खुश रखेगी। किसी तीसरे इंसान का दखल आपके और आपके प्रिय के बीच गतिरोध पैदा करेगा। घर से बाहर निकलकर आज आप खुली हवाओं में टहलना पसंद करेंगी। आज आपका मन शांत होगा जिसका फायदा आपको पूरे दिन मिलेगा। किसी पड़ोसी दोस्त या रिश्तेदार की वजह से वैवाहिक जीवन में अनबन मुमकिन है। यदि आपसे कोई बात करना चाहे और आपका मूड बात करने का ना हो तो आपको शांति से उसे यह बात समझानी चाहिए। इस राशि के लिए ग्रह स्थिति उत्तम बन रही है। सभी प्रकार के रिश्तों में सुधार आएगा और चारों तरफ से खुशियां महसूस होगी। अगर कोई सरकारी कार्य रुका हुआ है तो उसे पूरा करने में किसी की सहायता भी मिलेगी। घर के रखरखाव तथा साज सज्जा संबंधित कार्यों में भी समय व्यतीत होगा। दिन की शुरुआत में कुछ दिक्कतें भी हो सकती है, तनाव दूर होगा। जब तक भावनाओं पर नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक निर्णय लेना बहुत मुश्किल रहेगा। किसी के सुझाव की वजह से अटके हुए काम आगे बढ़ेंगे। लव रिलेशनशिप में अन्य लोगों की वजह से नकारात्मकता न बढ़े इस बात का ध्यान रखें। सेहत का भी ध्यान रखना होगा। इस समय आप सकारात्मक अनुभव करेंगे और विचारों में उत्साह रहेगा। मन में नए विचार आएंगे। भाई बहनों के संबंधों में मधुरता आएगी। भूमि संबंधित कोई गतिविधि चल रही है तो कागजी कार्यवाही को लेकर गलतफहमी हो सकती है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपके व्यक्तित्व में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है इसीलिए इन कार्यों पर विशेष ध्यान दें। अपने निजी कार्यों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने से परिवार पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। सावधानियां, सकारात्मक सोच रखें तथा अपने व्यवहार में और अधिक परिपक्वता लाएं। कभी कभी आपके शक करने की प्रवृत्ति आपके लिए ही परेशानी का कारण बन जाती है। पुरानी जायदाद संबंधित समस्याएं फिर से उठेगी। किसी अनुभवी की मदद से जल्द उसे निपटाने की कोशिश करें। बात करते हैं लव लाइफ की। यह जरूरी है कि आप अपने रोमांटिक लाइफ के मामले में आराम से काम लें।
आप हर एक भावना के बारे में बहुत जल्दी गंभीर हो जाते हैं। ऐसा करते रहना अब संभव नहीं होगा। आपको अब जरा धीमे चलना होगा। अपनी बेचैनी को रोमांस और प्यार के इजहार के पुराने तरीकों से बदल। हालांकि आपका दिमाग आपको सब कुछ तेजी से करने का आपका दिमाग आपको सब कुछ तेजी से करने को कहेगा। प्यार भरे छोटे छोटे इशारे आपकी बात को समझाने के लिए काफी होंगे। आज का दिन बेहद स्पेशल है, जहां आप एक डिवाइन लव की तलाश में हैं। रोमांस का पूरा मजा लेने के लिए आपको अपनी कल्पना और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना होगा। याद रखें, प्यार का रिश्ता हमें आत्मविश्वास के साथ साथ दूसरों का सम्मान करना भी सिखाता है। अब वक्त आ गया है पार्टी करने का। आज सारा समय उल्लास और आनंद से भरा है। आपका प्यार और लालसा किसी खास के लिए आपकी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करेंगे। आप पूरे जोश में हैं और अपनी साथी के साथ नजदीकी का आनंद ले रही हैं। कामुकता विपरीत लिंग को आकर्षित करने का एक तरीका है। बात करते हैं करियर की। पैसे में हानि या जीवन में संघर्ष, दोनों ही सूरतों में आप कभी पीछे नहीं हटते, बल्कि जमकर उसका सामना करते हैं। व्यापार और ऑफिस में कूटनीति या राजनीति का प्रयोग करके आप हारे हुए खेल को जीत सकती हैं। अपने दिल की सुने, इसे सही दिशा मिलेगी। आज का दिन आपके लिए शानदार प्रतीत होता है। इस जीवन परिवेश में आप बेहद खुश हैं। प्यार, लालसा और उत्साह, इन तीनों को अपने दिमाग में रखें। खुद के प्रति ईमानदार रहें और हर काम को पूरे दिल व दिमाग से करें। खुद पर विश्वास रखें और मेहनत करें। आप जो चाहते हैं वो आपको मिल कर रहेगा। आपके अहम को आज पूरी तरह से तृप्ति मिलेगी, क्योंकि आपके नेतृत्व और संगठन के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए आपको पुरस्कृत किया जाएगा। आप पर्दे के पीछे रहकर अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको अपनी प्रतिभा और क्षमता को अपनी विभिन्न मुद्दों में जिस पर आप अभी कार्य कर रहे हैं दिखानी होगी। कल जो आपने गलतियां की थी उन पर आपको अपने ऊपर कुछ हास्य होगा। कारोबार के नजरिए से समय अनुकूल है। विदेश या आयात निर्यात से संबंधित व्यवसाय में सुधार आएगा। कार्य क्षेत्र में धन लाभ के लिए मजबूत एग्रीमेंट होंगे। नई योजनाएं बनेगी। नया काम शुरू करने से पहले अनुभवी लोगों की मदद लें। बात करते हैं सेहत की। अत्यधिक काम की वजह से थकान व कमजोरी महसूस होगी। समय समय पर आराम भी लेना आवश्यक है। ऑफिस में बढ़ते तनाव से आप काफी परेशान हैं और यह परेशानी आज आपके शरीर में दर्द और खिंचाव तथा बेचैनी के रूप में प्रकट होगी। ऑफिस में इस दबाव को कम करने के लिए आपको खुद को अधिक व्यवस्थित करना होगा। दूसरे जंक फूड खाने से समस्या कम नहीं हो जाएगी। फिलहाल आराम के लिए ध्यान करें या मसाज के अपॉइंटमेंट लें। सेहत का भी पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।